श्रीलंका में आज भी 50 स्थान ऐसे हैं जो रामायण से जुड़े होने का दावा करते हैं। शोध में बताया गया है कि यह स्थान रागला जंगल के अंदर एक गुफा में स्थित है। कहा जाता है कि इस गुफा में आज भी रावण का शव रखा हुआ है। तथ्यों की माने तो श्री राम ने 10,000 साल पहले रावण का वध किया था। रागला के जंगलों में 8,000 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा है जिसमें रावण के शव को मम्मी बनाकर रखा गया है। इस शरीर को अन्य मम्मी की तरह सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के लेप का इस्तेमाल किया गया है और ताबूत में बंद कर दिया गया है। यह शरीर आज भी हजारों वर्षों से संरक्षित है। इस विषय पर शोध कर रहे श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने कई दिलचस्प बातें बताई हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि रावण का खजाना इस ताबूत में ही मौजूद है जिसमें उसे रखा जाता है और कई खतरनाक जानवरों और एक जहरीले सांप की रखवाली करते हैं। जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन्होंने इसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी। सिंहासन पर आसक्त विभीषण ने कार्य पूरा नहीं किया जिसके बाद नागकुल के लोगों ने शव को सुरक्षित रखने के लिए मम्मी बना दिया।